नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में एनएचएम भर्ती परीक्षा लीक के मामले में पुलिस को अब कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस 3 दिन की रिमांड पर 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, उनकी रिमांड खत्म हो गई है। वहीं जो 5 आरोपी जेल में बंद थे, उन्हें अब 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पकड़ी गई गैंग के सदस्यों ने लगभग 6 माह पूर्व सीएचओ की परीक्षा का पेपर लीक किया था। यह गैंग प्रदेश में आगे होने वाली पटवारी व अन्य भर्तियों के पेपर आउट कराने के लिए बुकिंग कर रहा था। एनएचएम भर्ती की सुबह की पाली में ऑनलाइन हुआ पेपर वही था जो उन्हें परीक्षा से पहले धनंजय व उसकी गैंग ने एक टपरे में सॉल्व कराया था। इसकी पुष्टि खुद परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने कर दी है। पेपर आउट करने वाले सरगना ने एनएचएम भर्ती की परीक्षा कराने वाली एजेंसी की मुंबई स्थित पार्ट एजेंसी के किसी अफसर से मिलकर किया था। पेपर लीक कराने में पुष्कर पांडे के साथ बिहार व यूपी के बड़े शिक्षा माफिया शामिल हैं, जिन्हें पूर्व सीबीआई द्वारा भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विगत दिवस पकड़ा गया एक आरोपी पूर्व में आरक्षक भर्ती परीक्षा में और दिल्ली में भी पकड़ा जा चुका है। एनएचएम भर्ती परीक्षा में विगत दिवस गिरफ्तार किए गए ऋषिकांत को पूर्व आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी गिरफ्तार किया गया था। उसे दिल्ली में भी गिरफ्तार किया गया था। ऋषिकांत हरियाणा में कोचिंग सेंटर चलाता है और हाल ही में उसने एक लगभग 40 लाख रुपए कीमत का प्लॉट भी खरीदा है। आरोपी ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपने रिश्ते के बहनोई का नाम भी पेपर आउट कांड में शामिल बताया, लेकिन उस बहनोई को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन पड़ताल में पता चला कि बहनोई से जमीन विवाद चल रहा है, इसलिए उसे फंसाने के लिए नाम लिया था। पकड़ा गया गैंग लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रहा है और 2021 में यूपी में भी इसी गैंग ने पेपर आउट कराया था और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। एनएचएम की पूर्व में आयोजित की गई परीक्षा का पेपर आउट होने की बात पकड़े गए आरोपी कबूल कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी पेपर आउट किए जाने की बात भी पूछताछ सामने में आई है। जांच कर रही क्राइम ब्रांच के अफसरों की परेशानी यह है कि एक मामले के खुलासे के बाद ही भोपाल से अलग अलग तरह रिपोर्ट तलब की जा रही है। ऐसी स्थिति में पूर्व में हुई ऑनलाइन परीक्षाओं के आउट हुए पेपर को वह कैसे साबित करेंगे? इसी कारण पूर्व में हुई परीक्षाओं के पेपर आउट की सूचनाओं पर फिलहाल पड़ताल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए ग्वालियर एसएसपी अमित सांगी ने बताया कि एनएचएम भर्ती परीक्षा की पहली पाली की पेपर पूरी तरह आउट था, इसकी पुष्टि हो गई है। यह रैकेट अंतरराज्यीय है। इसके कई सदस्यों के नाम सामने आए हैं जो पूर्व में यूपी व अन्य स्थानों पर पकड़े जा चुके हैं। इनके संबंध में सबूत एकत्र करते हुए पड़ताल की जा रही है।